गई और यहाँ हाजिर रहते हुए हो गई और उसको नहीं संभाल पाए, तो उन हालातों में फिर जवाबदेही मुश्किल है और हमें अपनी अंतरात्मा को भी हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि ये सब जो ना इतनी मेहनत करने के बावजूद कैसे हो पाया। आज मेरा आप सभी लोगों से वही गुजारिश है कि आप जो चल रहा है प्रोटेस्ट उसके बारे में कोई चर्चा ना करें किसी भी तौर पर, सिर्फ और सिर्फ इस बात की चर्चा करें कि भाई प्रोटेस्ट तो मेन चीज है जिसके वजह से चल रहा है, उसको सिर्फ ध्यान में रखते हुए हम अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये समझाएं कि साहब बाहर की जो चीजें हैं उनसे प्रभावित ना हो हमारा क्षेत्र, किसको कौन मर गया कौन जी गया, अच्छा होना चाहिए था गलत होना चाहिए था, किसने सही किया और किसने गलत किया, आज वो स्थिति और परिस्थिति हमारे को डिस्कस करने से क्या होगा कि फिर जो है कुछ पुराने लोग हैं वो तो समझते हैं हर बात को कि हालात जो है एक की वजह से गलत हुए या दूसरे की वजह से गलत हुए, लेकिन हालात धीरे धीरे सुधरते हैं और चीजें नॉर्मल भी आती हैं, लेकिन जिसको नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती किसी से। मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि आप अपने अपने जो एरियाज अपने अपने RWs हैं अपने अपने जो मोहल्ले हैं जो गलियां हैं वहाँ पे जहाँ जहाँ भी लोगों का आप मैक्सिमम तौर पे सिर्फ और सिर्फ लोगों से इसी बात का इंटरेक्शन करना है कि साहब दिल्ली की वर्तमान स्थिति में हालात ठीक नहीं है, उस पर बहुत चर्चा ना करके हमारा क्षेत्र और हम सब लोग किस तरह महसूस होंगे नंबर एक, और दूसरा जहाँ भी आपको लगता है किसी भी स्थिति या परिस्थिति में कोई ऐसी बात आती है कि जिसको काबू करने से या जिसको टाइम पे कंट्रोल करने से या लोकल पुलिस के टाइम पे पहुंचने से वो चीज़ों से निजात पाया जा सकता है और स्थिति जो है काबू पा लिया जाए या स्थिति एज इट इज रहे खराब ना हो, उन सब परिस्थितियों में हम 24 घंटे तैयार हैं आपके साथ। आप रात को जब आपको मन कर तब फोन करिए, जब आपको लगता है कि साहब यह स्थिति आ गई है तो जरूर फोन कीजिए। ये जो स्थिति है इसमें आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई पुलिस का दलाल कहे या फलाना कहे, ये अब जो परिस्थिति है लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से है, कोई प्रोटेस्ट से हमारा लेना देना नहीं है, किसी तरह की जो चल रही है संवैधानिक या असंवैधानिक चीजें उनसे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा सिर्फ ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि जो हमारा एरिया है हम अबुल फजल साइन बाग में नहीं हम जामिया को भी अपना पार्ट समझ रहे हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है अगर यहाँ पे जहाँ बैठे हो आप यहाँ पे अगर एक स्थिति जनरेट होती है उसका असर उस लास्ट तक जाएगा लक्ष्मण डेयरी से, या लक्ष्मण डेयरी के पास होती है तो उसका असर यहाँ रोड नंबर 13 तक आएगा। तो हमारे लिए ये पूरा क्षेत्र जो है ना ये महत्व रखता है और मुझे भरोसा ही नहीं पूरा विश्वास है जिस तरह से आप लोगों का पहले भी साथ रहा है। लीजिए ना लीजिए आप लीजिए अरे खा लो। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा देख भी रहोगे आप कि अब दोबारा से एक नया वो चल रहा है कि साहब संडे के टाइम जो है इधर पड़ोस के लोग इकट्ठे होंगे, ये होगा फलाना होगा ठिकाना होगा, हम उस बात से भी बहुत ज़्यादा बेहद चिंतित हैं, उस पर अभी से भी काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन बावजूद उसके क्या परिस्थिति रहती है और कैसी रहती है उन हालातों में भी हमें समझना होगा, लोगों को भी समझाना होगा, प्रशासन और पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों को समझना होगा कि कुछ ऐसे तत्व जो चीजों को आगे भड़काए नहीं या चीजों को काबू से बाहर ना करें, उन चीजों के लिए भी हमें सबको समझना। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।